हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। मैं आ चुका हूं गुड़गांव के ऐसे सेक्टर में जो चारों तरफ से बहुत ओपन है, स्पेसियस है सेक्टर गुड़गांव का, और इसके चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 80 की। सेक्टर 80 में एक ऐसा डेवलपर आ चुका है जिसे कहा जाता है टीयर 2 टीयर 3 सिटी का किंग। जी हाँ, आपने सही नाम पढ़ा, मैं बात कर रहा हूँ एल्डेको की। एल्डेको का अपना प्रोजेक्ट आ चुका है सेक्टर 80 में और इसका रेरा भी आ चुका है। रेरा आ चुका है तो अब हम इसमें जो भी आपसे बात करेंगे वो ऑथेंटिक बात करेंगे। जो डिटेल आपको देंगे इस प्रोजेक्ट की वो बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेल देंगे। 8.25 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आ रहा है एल्डेको का, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 300-350 यूनिट देखने को मिलेंगी, और फेज़ वन में ये 200-250 यूनिट लॉन्च कर रहे हैं। ये गुड़गांव का एक ऐसा प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है जिसमें आपको डेंसिटी लोएस्ट मिलेगी। जी हाँ, इसमें डेंसिटी आपको सिर्फ 40 पर एकड़ देखने को मिलेगी। हाँ, 40 यूनिट आपको एक एकड़ में देखने को मिलेगी, और साथ में 4.5 एकड़ का आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको जो अपार्टमेंट होंगे वो 2-3 साइड ओपन होंगे, और इस लैंड के साथ जो एल्डेको की 8.25 एकड़ की लैंड है, इसके साथ आपको एक और ऐसा लैंड पार्सल देखने को मिलता है जिसमें करीब 80 एकड़ का तो गोल्फ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्मा लेक लैंड की। 250 एकड़ का लैंड है जिसमें 80 एकड़ का गोल्फ है और बाकी जंगल है। वहाँ पर आप लोगों को पता है लॉन्च हुआ था शोभा का प्रोजेक्ट, और आपको प्राइस भी पता होगा और साइज़ भी उसका याद होगा। एल्डेको कुछ उससे अलग लेकर आया है। एल्डेको ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट की रिसर्च की और देखा यहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद ही ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। साइज़ क्या होगा यहाँ पर प्राइस क्या होगा, पेमेंट प्लान क्या होगा, एमेनिटीज़ क्या होंगी, सबके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। गुड़गांव का जो 80 सेक्टर है, ये सेक्टर आता है HSIIDC के अंडर में। जी हाँ, यहाँ पर जो भी डेवलपर लैंड ले रहा है वो HSIIDC से उसने ई ऑक्शन में लैंड बाय किया है। यहाँ पर करीब 12 लैंड पार्सल ऐसे हैं जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं, जिसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे ग्रुप हाउसिंग देखने को मिलेंगे। अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर आपका आशियाना अमारा अपना लैंड बाय कर चुका है, यहाँ पर त्रिहान ग्रुप है अपना लैंड बाय कर चुका है, और यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ एल्डेको ने तो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च ही कर दिया है। तो ये इस सेक्टर की एक मोटी मोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी प्रोजेक्ट की डिटेल खत्म ही हुई है, अभी हम प्रोजेक्ट की डिटेल पे बात करेंगे एल्डेको डेवलपर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले से इसके बारे में जानकारी होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये टीयर 2 टीयर 3 का एक डेवलपर माना जाता है, एस्टेब्लिश डेवलपर माना जाता है। जो सोनीपत के लोग हैं, पंचकूला के लोग हैं, या दिल्ली में, उत्तराखंड में, या हम कहें हरिद्वार में, काफ़ी जगह इनके प्रोजेक्ट हैं, और ये एक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है। अब ये यहाँ पर जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुड़गांव में इनके प्रेजेंस की बात करें तो सोना रोड पे एक इनका प्रोजेक्ट है जिसमें इनके विलाज हैं, और इसके साथ साथ सोना में एक इनका प्रोजेक्ट है जो हाई राइज है। अब इनका ये तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो सेक्टर 80 में है। ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं ये लग्जरी प्रोजेक्ट है। यहाँ आपको 2 अ कोर अपार्टमेंट एक फ्लोर पे देखने को मिलेगा, और सीलिंग हाइट जो अपार्टमेंट की है वो आपको कम से कम 11 फीट की देखने को मिलेगी। क्लब हाउस की बात करें तो 55,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब देखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी जब मैं 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो टोटल अपार्टमेंट है वो सिर्फ 325 ही हैं। जी हाँ, इतनी लेस डेंसिटी है, इसलिए ये क्लब हाउस आपको छोटा अगर लगे तो आप डेंसिटी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेंसिटी के हिसाब से ये जो क्लब हाउस है इनका वो ठीक है। पेमेंट प्लान है काफ़ी रिलैक्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। आपको पहले 60 डेज में 25% पे करना है, उसके बाद आपको 15वें महीने में 25% पे करना है। 25x4 इनका पेमेंट प्लान है, टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें। उसके बाद 26 मंथ में आपको 25% पे करना है, उसके बाद आपको कुछ पेमेंट प्लान बीच में और पे करना है, उसके बाद कुछ आपको बीच में पे करना है, फिर OC के टाइम पे जब अप्लाई करेंगे, फिर पोजेशन के टाइम पे। इस तरह 25x4 इनका पेमेंट प्लान है जो एक रिलैक्स पेमेंट प्लान हम कह सकते हैं। अब प्राइजिंग की बात कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा शोभा का क्या प्राइस आया था, अगर याद नहीं है तो आप गूगल करके देख लीजिए कि शोभा ने किस प्राइस पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब इनके प्राइस की बात कर लेते हैं।
इनकी तरफ से जो प्राइस कोट किया गया है वो 17,000 किया गया है। अगर आप अभी की बात करें तो अभी आपको इसमें काफ़ी हैंडसम डिस्काउंट मिल रहा है। वो डिस्काउंट कितना है वो जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अर्ली जो बुकिंग होगी उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। अगर अपार्टमेंट की बात करें तो मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। 3 BHK आपको 2200 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा, जो 4 BHK वो आपको 2900 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा, और 4 BHK जो सर्वेंट है वो आपको 3600 स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा। अब मोटा मोटा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या इसमें मैं प्रॉपर्टी बाय करूँ तो मुझे कितना अमाउंट चाहिए होगा। तो आपको कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ रुपए की होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये लोकेशन अभी उतनी अपकमिंग नहीं है, उसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 12 ग्रुप हाउसिंग आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। और ग्रीनरी की मैं बात बता चुका हूँ आपको, कर्मा लेकलैंड का 250 एकड़ का ग्रीन कवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में शोभा का एक प्रोजेक्ट जरूर है। अगर इसके आसपास की विसिनिटी की बात करें तो NSG का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसी रोड पर ये नौरंगपुर रोड है जो NH8 से, जिसको या NH48 कह देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आ रही है। उससे आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपको डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। अंदर आप आएंगे थोड़ा सा चल के सेक्टर 80 में तो आपको ये साइट देखने को मिलेगी LDECO की। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेके बहुत क्रिटिकल रहते हैं कि नौरंगपुर रोड की वो चौड़ाई नहीं है। बहुत प्रपोजल में बात की जाती है, बहुत बार बात की जाती है कि ये रोड बहुत चौड़ा होगा, वाइड होगा, लेकिन कब होगा उसको लेके मुझे पता है आप थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूँ, आपके पास एक और रूट है, एक और रास्ता है जो इसको कनेक्ट करता है। आपको SPR से सीधा सेक्टर 77 की तरफ आना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DLF के जो परवाना है वहाँ पर, उसके आगे आप सीधा चले आएंगे तो आपको गोल्फ हिल्स मिलेगा। पहाड़ी कट चुकी है, रास्ता बन चुका है। जिन लोगों ने यहाँ विजिट ना करा हो, जिन लोगों को ना पता हो, उनको अपडेट कर देता हूँ, पूरी तरह रास्ता बन चुका है। जैसे ही आप सेक्टर 79 में आएंगे गोल्फ हिल्स के पास, वहाँ से आपको कुछ मीटर चलना पड़ेगा और आगे जाके आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट चलते नौरंगपुर रोड पे आप 200 मीटर चलेंगे तो आपको ये सेक्टर 80 में LDECO की साइट देखने को मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक प्रोजेक्ट की डिटेल दे दी है, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ बता दिया है। ये मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर इस प्रॉपर्टी को बाय करना है उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, जो हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे थ्रू ये प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो हमारी पेड कंसल्टेंसी है वो आपके लिए वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप हमारे थ्रू बाय नहीं भी करते हैं तो आप पेड कंसल्टेंसी लेके इस प्रॉपर्टी को या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में हमसे डिटेल ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैंने शायद कोशिश करी है सबसे पहले आपको साइट को दिखाने की, आपको बताने की कहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। मैं फिर मिलूंगा आपके एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।